दोस्तों आज हम कवर करेंगे ऑपरेशन मिशन शक्ति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिशन शक्ति ऑपरेशन क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया और इसका क्या बेनिफिट होगा। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, मिशन शक्ति के तहत क्या किया गया। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन सी, मिसाइल के जरिए सैटेलाइट को मार गिराया गया। देखिए, भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूर अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया मात्र 3 मिनट में। और जिस सैटेलाइट को शूट किया गया उसकी रफ्तार थी 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता ही होगा कि भाई अंतरिक्ष में एक दो सैटेलाइट तो है नहीं, हजारों सैटेलाइट है। उनमें से जिस सैटेलाइट को लॉक किया गया उसी को शूट किया। अगर इस मिशन में जरा सी भी चूक हो जाती तो किसी दूसरे देश की सैटेलाइट को नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल स्टिक था हमारा निशाना। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। और कौन कौन से देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है? अमेरिका, रूस, चीन और चौथा है इंडिया, भारत। ठीक है भाई, मिसाइल से हमने सैटेलाइट को मार गिराया, अब इसका हमें बेनिफिट क्या होगा? युद्ध के समय हम दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं और किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ठप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दुश्मन देश के सैटेलाइट पर नजर रख सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया। ये डेट आप जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए, 27 मार्च 2019 को। देखिए, ऑपरेशन मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 27 मार्च 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मिशन शक्ति कहां से लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम द्वीप। देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन और बनता है, अब्दुल कलाम द्वीप का पहले नाम क्या था। तो ये था व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर किया गया अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट, ऑपरेशन मिशन शक्ति किस देश की सहायता से लॉन्च किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। ऑपरेशन मिशन शक्ति में भारत ने किसी की भी मदद नहीं ली, यह टेक्नोलॉजी स्वदेश निर्मित है। इस टेक्नोलॉजी को बनाया है डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जाना पहचाना, डीआरडीओ के वर्तमान यानी कि 2019 में अध्यक्ष कौन है। अगर आपने चुना ऑप्शन ए, जी सतीश रेड्डी, तो बिल्कुल सही जवाब चुना मेरे भाई। देखिए, डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को गिराने की क्षमता रखने वाला भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। पीछे आपको बताया था, ऑप्शन डी, भारत चौथे स्थान पर है। इससे पहले 3 देश और हैं, चीन, रूस और अमेरिका, और भारत आ गया है चौथे स्थान पर। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की मिशन शक्ति की और अब बात करते हैं ऑपरेशन शक्ति क्या था। ऑप्शन बी, परमाणु परीक्षण। देखिए, मिशन ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किए गए थे। ये दोनों ही सेम से नाम है, मिशन शक्ति ऑपरेशन शक्ति, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी, 18 मई 1974 को, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और यह परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। और इस परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया था, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा, रूस ने भारत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा चुका है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए, मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा 1974 के परमाणु परीक्षण की अगुवाई की गई। थोड़ा टफ हो सकता है। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजा रामनन्ना। देखिए, 1974 में हुए परमाणु परीक्षण की अगुवाई की थी डॉक्टर राजा रामनन्ना ने और उनकी टीम में शामिल थे एपीजे अब्दुल कलाम जी भी। नेक्स्ट, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी, 1998 में
उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए, हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, उसके बाद अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया था, बहुत से देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हमने जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया ना, बहुत ही सावधानी से छुपके छिपाके किया, और जब परीक्षण सफल हो गया ना, तब दुनिया को बताया था, दुनिया रहप रह गई थी। देखिए, इन परीक्षणों की सबसे खास और दिलचस्प बातें थी कि CIA के जो जासूसी उपग्रह थे ना, उनको भी पता नहीं चला कि भाई भारत परमाणु बम्बों का परीक्षण कर रहा है। देखिए, DRDO के अधिकारियों को पता लग गया था कि CIA के सैटेलाइट कब कब भारत पर नजर रखते हैं, इसी हिसाब से ज्यादातर काम रात को किया गया ताकि पकड़े जाने की संभावना कम से कम हो। भाई, अमेरिका सहित बहुत से देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु परीक्षण करे, लेकिन हमें तो करना था ना। हुआ क्या कि जो वैज्ञानिक थे ना, उन्हें भी आर्मी की वर्दियां पहनाई गई, और जो मोटे वैज्ञानिक थे उन्हें मिशन से बाहर किया गया ताकि आर्मी के फिट जवानों के बीच उन्हें कोई पहचान ना सके। और हर वैज्ञानिक को एक कोड नेम दिया गया, और APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। और एक खास बात, भारत के कामयाब परमाणु परीक्षण के बाद CIA ने खुद चूक की बात मानी कि भाई हमसे गलती हो गई। CIA के अधिकारियों ने कहा कि हम कई साल से भारत के परमाणु कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये मानने से मुझे गुरेज नहीं है कि इस बार हमसे चूक हुई और हम नहीं बता सके कि ऐसा कोई परीक्षण कब होने जा रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम फेल हो गए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अमेरिका के लोगों को बताऊं कि हमें ये पता नहीं लग सका। और ये पंक्तियां हैं जॉर्ज टेनेट की, जो कि CIA के डायरेक्टर थे 1996 से 2004 तक। नेक्स्ट, 11 मई 1998 को कितने परमाणु परीक्षण किए गए? ऑप्शन ए, 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। देखिए, ऑपरेशन शक्ति यानी कि पोखरण 2 मिशन के तहत कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 मई 1998 को 2 परमाणु बम का परीक्षण और किया गया, यानी कि कुल 5 परमाणु बम्बों का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, 1998 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी, आर चिदंबरम। देखिए, 1998 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे आर चिदंबरम। और भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थारे लिए चैलेंज, और बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा। 1998 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन थे? अरे भाई, इसका सही जवाब तुमने देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका सही सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही सही जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।